सकती है। इसी तरह जो है, और अगर हम बुरे बात निकालते हैं तो ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया और बात ख़त्म हो जाती है। इंसान का बोला हुआ कभी नहीं मिटता है, वो इस खला के अंदर ही रहता है और इसको जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है, बल्कि लिखते रहते हैं। खुद अल्लाह ने पूरे काफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 18 में फरमाया कि इंसान के मुँह से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता लेकिन दो निगरान उसको लिख लेते हैं, दोनों लिखने के लिए बैठे होते हैं और वो उसको लिख लेते हैं। तो जब तुम बात करो तो उसमें एहसान करो। इसमें सबसे ज़्यादा हमको एहसान रखने की ज़रूरत है कि जुबान के अंदर, क्योंकि इसका जो जख्म होता है, एक बार तलवार से किसी को मार दिया आपने तो जख्म भर जाएगा, एक नहीं दो साल में भर जाएगा। सामने वाला भूल भी सकता है उस जख्म को, अगर आप उसके साथ अच्छे मामला करते हैं, उसके बाद रिश्ते आपके सुधर गए तो भूल जाएगा उस चीज़ को कि इसने कभी मुझे मारा भी था। लेकिन अभी आपने जब जुबान से बोल दिया, तो जुबान से बोल दिया तो वो जख्म कभी नहीं भरता, वो कभी ना कभी उसके सामने आता ही रहता है। कभी थोड़ा सा मामला होता है और वही बात उसके बार बार आती है, वो नासूर बन जाती है। तो जुबान के लिए खास है कि जुबान पर एहसान करें। जुबान पर एहसान क्या है कि जुबान से हम किसी की गिबत ना करें, किसी की चुगली ना करें, और इसी तरह किसी के लिए हंसी मजाक ना करें जो उसको बुरा लगे, किसी को इससे गाली ना दे, किसी के लिए बुराई ना करें, किसी को तंज ना करें, किसी का जो है इसके अंदर हराम खाने हम इससे ना खाएँ, ये भी इस पर एहसान है। जो हमारे लिए अल्लाह ने हलाल नहीं किए वो खाने भी ना खाएँ, ये भी एहसान है।